एनजीटी ने गोमती नदी की दयनीय हालत पर लगाया जुर्माना। पर्यावरण हानि के तहत लखनऊ नगर निगम पर 2 करोड़ का जुर्माना। निगम के जिम्मेदार अफसरों को देना होगा 50-50 लाख का जुर्माना। जुर्माना भरने वालों में मुलायम किस्म धन अंबे बिष्ट का भी नाम। लखनऊ में गोमती नदी किनारे गंदगी पर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक ऐसा फरमान सुनाया है जिससे मुलायम सिंह यादव के समधन समेत कई अफसरों को लाखों का जुर्माना भरना पड़ेगा। गोमती नदी के किनारे फैली गंदगी को लेकर एनजीटी ने लखनऊ नगर निगम पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। इसमें बड़ी बात ये पता चली है कि अब उन्हीं अफसरों से इसकी भरपाई की जाएगी जिनकी जिम्मेदारी यहाँ की साफ सफाई रखने की थी। इसमें समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के समधन अंबी बिश समेत 4 अफसरों के नाम शामिल हैं। प्रक्रिया के तहत इन 4 को नोटिस जारी करने के लिए नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त को निर्देश दिए हैं। एनजीटी की टीम ने गोमती तट के निरीक्षण में पाया कि नदी किनारे कूड़े के अंबार के साथ गंदे नाले का पानी नदी में गिर रहा है और साफ सफाई की व्यवस्था दयनीय है। इस पर एनजीटी ने नगर निगम पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया। एनजीटी ने यह जुर्माना पर्यावरणीय जुर्माने के तहत लगाया है, यानी नगर निगम की अनदेखी के चलते ये जुर्माना लगाया गया है। नगर आयुक्त ने 4 अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है कि उनसे 50-50 लाख रुपए का जुर्माना वसूलने की शासन से सिफारिश क्यों न कर दी जाए। नोटिस जारी होने पर नगर निगम के इन अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। नगर आयुक्त ने मुख्य अभियंता सिविल SP सिंह, मुख्य अभियंता विद्युत यांत्रिक राम नगीना त्रिपाठी, जोनल अधिकारी जोन 3 राजेश गुप्ता और जोनल अधिकारी जोन 6 अंबी बिष्ट पर 50-50 लाख रुपए वसूली के निर्देश दिए हैं। गोमती नदी की सफाई को लेकर एनजीटी ने योगी सरकार से भी 100 करोड़ रुपए की गारंटी जमा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं गोमती की दयनीय हालत को देखकर एनजीटी ने लोगों से इसके आसपास सैर तक करने को भी मना कर दिया है।